नमस्कार आदाब वेलकम टू तो द दे चैनल देवी और सज्जनों या सो आज हम लोग करेंगे केक वॉक का थोड़ा सा वर्क थ्रू और कुछ कुछ चीज़ें उसमें बना के भी देखेंगे ये गदर है मतलब आँखें में विंडोज पे काम करना एनी पता तो नहीं कुछ कह के गया वो तो या yeah, आप ये बैंड लेब असिस्टेंट को डाउनलोड कर लेते हो और वहाँ से जा करके आप ये बेसिकली बैंड लेब नहीं यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे केक वॉक अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा अपडेट वपडेट भी आता रहता है तो वो सब भी यहाँ पर आता है सो इट्स प्रेटी सिंपल टू हैंडल एन ऑल बहुत सारे और भी फीचर्स एक्स्ट्रा चीज़ें वो देता है बट बाय द वे डोंट बॉदर टू मच अबाउट एट मज़ेदार बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर है और अभी के टाइम पे फ्री है बट ये एक्चुअली में फ्री सॉफ़्टवेयर नहीं है तो बहुत सालों से बहुत अलग अलग कंपनीज ने इसको डेवलप किया है एंड इट वॉज़ अ रियली गुड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बैक देन और अभी भी इसमें सारे फीचर्स हैं एक जो चीज़ आपको ज़्यादा ओवरवेलम कर सकती है इसमें दैट इज़ um, क्या हुआ है कि इसमें फीचर पैक होते 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 बहुत ज़्यादा एज लाइक like, कीक पहले जैसा था वैसा ही है और उसके बाद में फिर उसमें फीचर डाल रहे डाल रहे तो काइंड ऑफ इट लुक्स सब इट ओवरवेलमिंग थोड़ा ब्लोटेड सा हो गया सॉफ्टवेयर बट इट वर्क्स फाइन है ना तो विद दैट आप ऐसा सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ से आप देखोगे कि आप बहुत सारे वर्क स्पेसेस है अलग अलग टाइप के इसको भी चेंज कर सकते हो है ना एंड फॉर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क फ्लो जो इन लोगों ने प्री मेड बना के दिया है आपको और आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो बाद में वो, ठीक है अब कमिंग बैक टू आप नॉर्मली जब आप वो करते हो ना तो वो आता है कि एक अभी आपने देखा था कि एक टेम्पलेट uh, सा खुल के आ रहा था उसकी जगह पे आई वुड सजेस्ट क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक छोटी सी परेशानी आती है कि आप सैम्पल रेट वगैरह वहाँ से नहीं डिफाइन कर पाते हो वट यू शुड डू कि उसको क्लोज करो यहाँ से जाओ फाइल एंड देन मेक अ न्यू एंड देन नाउ देर इज़ लाइक आप ट्वेंटी फोर बिट पे बनाओगे प्रोजेक्ट फोर्टी एट किलोहर्ट पे बनाओगे ओके मेक श्योर आप कोई भी जो ऑडियो इंटरफेस ख़रीदो वो एटलीस्ट कम से कम फोर्टी एट किलो हर्ट तक सपोर्ट करे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑडियन uh, का ईवो फोर फ़िलहाल अभी दो चार दिन के लिए और भी इसके बाद कोई और इंटरफेस को टेस्ट आउट करेंगे एंड mm, ये 96 के तक आराम से जाता है जबकि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा दिखा रहा है बट 192 तक शायद नहीं जाता ये नाइन्टी सिक्स तक तो जाता ही है बट उतना ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं फोर्टी एट किलो हर्ज चौबीस बिट पे आप इसको बनाओ टेम्पो वेम्पो आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो इसके बाद में ये आप देख रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है केक वॉक में और इस तरीके से ऐसे करके सीधा बन रहा है आप एक काम और कर सकते हो कि आप हर बार जब अपना गाना बनाओ वट यू डू कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करो बेसिक ले लो चाहे ये एम ले लो बेसिक भी रहने दे सकते हो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका यू नो मे बी आप इसी सी ड्राइव में बना रहे हो बट कीप इट ऑर्गेनाइज आप यहाँ पे अलग 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 प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बना सकते हो तो मैं मान लो कि एक नया फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे है दिस इज कॉल्ड आवर टेस्ट सॉन्ग वन वन ओके ये बन गया अब यहां पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे अच्छे से नाम देना नहीं तो फिर ये आपको बाद में दिक्कत आएगी तो यू कैन सी कि टेस्ट सॉन्ग वन वन के अंदर में ये प्रोजेक्ट का नाम आपका ये पड़ेगा और उसी के अंदर उसके ऑडियो फाइल्स भी रहेंगे एंड ऑल दैट ये बाद में आपको हैंडी पड़ेगा क्योंकि आप अगर ऐसा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करते हो तो आप किसी को ये प्रोजेक्ट भेज भी नहीं पाओगे यू नो मे बी इफ यू वांट कि कोई आपके इस प्रोजेक्ट में काम करे तो आप अगर वो खाली सी पी डब्ल्यू वाला जो छोटा सा फाइल बनेगा अगर उससे भेजोगे तो दैट वॉन्ट वर्क पहले इसे खोल लेते हैं देन विल गो टू दैट ठीक ऐसा करके आपका वो बेसिक में आया तो इसलिए इन्होंने आपको ये एक ऑडियो और एक मीडी का ट्रैक दे दिया मजेदार बात यह है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग अलॉन्ग दिस चैनल तो आपने देखा है कि मैं पर्सनली लॉजिक प्रो एक्स इस्तेमाल करता हूँ ना का सिस्टम ठीक केकव इज लाइक एब्सल्यूटली बहुत ज़्यादा हुबहू है लॉजिक um, प्रोएक्ट्स के साथ जैसे लॉजिक प्रोएक्ट्स में जो भी आप करेंट ट्रैक आपका सिलेक्टेड होता है उसका ये चैनल स्ट्रिप पहला वाला ये यहाँ पे आ जाता है और ये जो ट्रैक uh, है जो बेसिकली यही ट्रैक है एंड आप यहाँ से गेन कम करो चाहे यहाँ से गेम कम करो दिस इज़ द सेम थिंग गेन मतलब वॉल्यूम एंड you know, आप कहाँ पे या यू कैन डबल क्लिक किसी भी चीज़ को रीसेट करने के लिए या आई थिंक ऑप्शन क्लिक या ऑप्शन क्लिक डजेंट वर्क कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ऑल्ट क्लिक डबल क्लिक वर्क मान लो कि लेफ्ट है एंड यू वॉन्ट टू रीसेट इट पैनिंग वगैरह तो यू कैन जस्ट डबल क्लिक द और भी बेसिक चीज़ों पे हम बात करेंगे जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड तो अब आपने जो ये प्रोजेक्ट सेव किया था एंड यू विल फाइंड आउट कि ये जो है हम बना रहे थे आई गेस व्यूजिक के अंदर नहीं इट वॉज से डॉक्यूमेंट्स के अंदर केक वॉक के अंदर केक वॉक बाय बैंड लैब हाँ यहाँ पर यह प्रोजेक्ट्स जा रहा है हमारा सी केक वॉक बाई ओके okay. मेरे सी ड्राइव के अंदर ही ये केक वॉक का प्रोजेक्ट बन रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में नाव यू सी दैट हमने एक ये टेस्ट सॉन्ग बनाया था और उसके अंदर में ये चीज़ बना ओके okay, फंटेस्टिक मैं अपने शब्द थोड़े से वापस लेता हूँ ओके okay, थोड़े से वापस एज इन कि आपको हर बार नया फोल्डर नहीं बनाने से भी होगा क्योंकि ये टेस्ट सॉन्ग के अंदर वो एक पूरा आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हो उसका एक पूरा का पूरा वो बना रहा है सो व्हाट वी कुड हैव डन इज लेट्स क्लोज दिस थिंग वंस अगेन यहां से ऐसा नहीं करके वेलकम uh, स्क्रीन को भी क्लोज कर देते हैं क्लोज करने की ज़रूरत है वी कैन जस्ट गो हेयर एंड टाइप इन न्यू केक वॉक प्रोजेक्ट्स केक वॉक ऑडियो ये यहाँ पे जा रहा है चौबीस बेट फोर्टी एट किलो वर्ट्स यहाँ पे हम डालेंगे हमारा टेस्ट जो भी मेरा नाम है एंड प्रोजेक्ट का या गाने का नाम जो भी कुछ तो सोच के बना लूँगा ये सब बाद में भी चेंज कर सकते टेम्पो फोर बाई फोर पर मेरा मीटर चल रहा है यानी ताल जो है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ऐसे करके काउंट चल रहा है मेरा ना हम थ्री बाई फोर फोर बाई फोर फाइव बाई फोर सिक्स एट सेवन एट कैसा भी हम टाइम सिग्नेचर में गाना बनाएंगे वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं तो पहले हम खाली ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से यहाँ पे कर लेते हैं इसको ओके okay, डन बढ़िया मज़ेदार हो गया अब अब हम वापस आते हैं अपने इस पर एंड सी ड्राइव के अंदर हमने देख लिया था कि केकवाक प्रोजेक्ट के अंदर ये हमारा माई प्रोटेस्ट ये बन गया इसके अंदर नाउ वी हैव ऑल ऑफ दिस थिंग्स इंग सेव्ड इंडिया मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो आई थिंक या वी गॉट दिस फाइल अब अक्सर क्या होता है कि कई बार आप जो गाने का नाम बनाते हो आपको दिखता है ये वाला छोटा सा फाइल वो बनाए और आप यही वाला फाइल अपना म्यूजिक प्रोड्यूसर या मिक्सिंग इंजीनियर जिसको उसको भेजने तो डैट वॉन्ट वर्क एक्चुअली इसीलिए भी ये प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज हो जाना बहुत ज़रूरी है इवन बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको नो मैनुअली ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है दिस गुड थिंग मतलब आपको बस उतना ही छोटा सा काम करना है और यू गेट दिस आपको ये वाला जो फोल्डर है जब आपको पूरा म्यूज़िक बन जाएगा तो यू सी की सारा ऑडियो जितना भी आपने खुद ने वोकल रिकॉर्ड किया गिटार रिकॉर्ड किया कुछ भी किया या वी एस टी से कोई आपने म्यूजिक बनाया उसको वापस कन्वर्ट uh, किया इंटू ऑडियो इन साइड योर डॉ ऑनली तो सारा का सारा कहाँ पर रहेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें हम फिलहाल काम करें उसके ऑडियो के अंदर ही रहेगा दिस इज़ अ फंट थिंग तो आपको बस इसको राइट क्लिक करना है इसको कंप्रेस करना है इस वाले फोल्डर को ओके सेंड टू कंप्रेसर कंप्रेस ड्रिप और वो जो कंप्रेस वाला फाइल होगा वो आपको गूगल ड्राइव पे या वी ट्रांसफर से या वट्स ओएवर आप अपने मिक्सिंग uh, इंजीनियर उनको बेच सकते हो ओके नाउ लेट्स मूव टू दोसेस अब कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोलते हो बनाते हो तो आपको सबसे पहले उसकी सेटिंग्स और ये सब चीज़ों को समझ लेना चाहिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट यू नो लाइक आप एक ही वीडियो देखो थोड़ा अच्छे से देखो कॉम्प्रिहेंसिव देखो इस वीडियो को सेव करके रखो जहां भी आप भूल जाओगे तो वहां पे फिर से दोबारा से उस चीज को देख लेना थोड़े टाइम स्टैम्स आप चाहो तो खुद नोट डाउन करके रख सकते हो मैं ही सब कुछ करने जाऊँगा तो इट विल बी टेकिंग सो मच टाइम टू मी फॉर मी ओके तो आप यहाँ पे आते हो एडिट में प्रेफरेंस में अगर जब हम आ गए तो प्रेफरेंस में आने के बाद में इसी की सबसे पहला है हमको डिवाइस को सेटअप करना है दो टाइप का हो सकता है कि बेसिक वाले आपके ऑप्शन में यहाँ पे खड़ा हो आपका हो और आप ऐसा एडवांस वाले में भी क्लिक करके जा सकते हो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल के आएंगे नहीं हम वॉक थ्रू करेंगे थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए डिवाइस आप यूजअली आप ये करोगे कि आपका जो अभी जैसे मैंने ये ऑडियंट वाला इंटरफेस किया हुआ है यूजअली ये होगा कि मैं ये ऑडियंट वाला इंटरफेस को सिलेक्ट कर लूँगा है ना एंड आई विल अप्लाई ओके सो तो आप उस तरीके से डिवाइस का सेटिंग चेंज कर लोगे अपने में मैं फ़िलहाल ये एफएल वाला आजियो कर इस्तेमाल हूँ ताकि जो सिस्टम का ऑडियो है वो भी मेरा ओबीएस जो ओपन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है जो बेसिकली स्क्रीन को भी आपका कैप्चर कर रहा है उसके अंदर ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाए सब कुछ जो भी हम इसमें कुछ म्यूजिक बजाएंगे कुछ भी करेंगे तो ठीक है दिट्स इज लाइक अभी सिचुएशन का जो डिमांड है नहीं तो मैं ऑडियंट का जो प्रॉपरटरी जो ड्राइवर है जो हमने इंस्टॉल किया है बेसिकली उसको इस्तेमाल करते हैं और या yeah, ऑबियसली जो भी मॉनिटरिंग वगैरह है हम इसी से करते हैं ओके डोंट मॉनिटर यूजिंग योर क्या कहते हैं डी ऑलवेज मॉनिटर यूजिंग जो भी आपका जो हार्डवेयर है उसमें मॉनिटरिंग वाला कंट्रोल होगा उसी से अपना वोकल को या आप गिटार रिकॉर्ड कर रहे हो कुछ भी करो आप उससे सुनना बिकॉज यहाँ पे क्या रहेगा कि आप कितना भी यू you नो know, जैसे आप ट्रैक्स ऐड करते जाओगे वैसे तो लेटेंसी आएगी मतलब आ, सिग्नल क्योंकि इसके अंदर आएगा फिर प्रोसेस होगा वो बफर के थ्रू जितना भी बफर है एंड उसके बाद वो न, क्या कहते हैं आपको वापस सुनाई देगा तो एक स्लैब बैक जैसा इफेक्ट रहेगा उससे आपका परफॉर्मेंस उतना टाइट नहीं हो पाएगा यू नो लाइक आपको गाते वक्त थोड़ा सा परेशानी रहेगा और जैसे जैसे ज्यादा ट्रैक्स ऐड होते रहेंगे प्लगिंगस वगिंग्स ऐड होते रहेंगे तो हिलेटेंसी और बढ़ता रहेगा और आपको इरीटेशन और ज्यादा होगा तो नेवर मोनिटर यूजिंग आ, क्या कहते हैं जो सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग है इसके अंदर यू सी दैट यहाँ पे ये वाला जो बटन है है ना किसी सॉफ्टवेयर में आई लिखा होता है कुछ होता है तो नेवर मॉनिटर यूजिंग दैट अब अगर वो बाई डिफ़ॉल्ट ऑन है तो मॉनिटरिंग को ऑफ कर देना सिर्फ अपना हार्डवेयर से मॉनिटरिंग करना ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ड्राइवर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे ही ये ऑब्वियसली 48 एट किलो हर्ज पे है हमने कर लिया था 64 फोर ब्रिट प्रिसन इंजन को ऑन कर लेना आपने बफर साइज टू फिफ्टी पे है यहाँ आजियो पैनल को खोल के इसमें इस तरीके से सेटअप आप, आप कर सकते हो अगर आप एफ वाला ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हो वैसे नॉर्मल यूज़ के सिनारी में आप ऐसा नहीं करोगे फिलहाल हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऐसा कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं बाकी सारी चीज़ें हमको खास छेड़ने की ज़रूरत नहीं आगे बढ़ते हैं इसमें देखेंगे कि ड्राइवर मोड आजियो ठीक डब्ल्यू डी एम ये ओ सब कुछ रख सकते हैं पर आजियो इज़ फाइन दैट इज़ वट वी आर गोइंग टू यूज़ डीदरिंग जो है ये सब हमको ऑन करने की जरूरत नहीं डीदरिंग इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड जब हम सैंपल रेट चेंज करते हैं है ना बिड डेप्थ और सैंपल रेट चेंज करते हैं मान लो कि आप फोर्टी एट किलोवर्स ट्वेंटी फोर बेट्स में म्यूजिक बनाते हो बाद में रेंडर करने के लिए आप रेंडर करके जब उसे निकालते हो मतलब बाउंस करके या रेंडर करके मतलब उसे जब सॉफ्टवेयर के बाहर निकालते हो स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे यूट्यूब यूट्यूब पर डालने के लिए और तब अगर आप अगर फोर्टी फोर किलोवर्ट्स और सोलह बीट का फाइल निकालते हो एक्सपोर्ट करते हो उस समय आपको डीदरिंग चाहिए रहता है बट प्र मच इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने से भी होगा इट इज़ नॉट गोइंग टू रू योर म्यूज़िक एकदम पूरा का पूरा ठीक है तो अब मोस्ट ऑफ द पीपल हु वुड बी वाचिंग दिस वीडियो आई आई अंडरस्टैंड कि आप लोग uh, क्या कहते हैं बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो डोंट बॉदर दैट मच ठीक है तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ बाकी ये सब चीज़ें जैसी हैं वैसी रहने देते हैं इट इज़ फाइन ठीक और डीदरिंग अगर आपको चाहिए रहेगा तो एक्सपोर्ट के टाइम पे भी वहाँ पे ऑप्शन आता है वो भी कर सकते हैं कन्फिगोशन वाला फाइल हो गया बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बट इट शुड बी वर्किंग गुड अब अगला जो प्रोसेस है वो मिडी के अंदर आते हैं अभी फिलहाल मैंने आर्तुरिया का मिनी लैब मार्क टू लगाया हुआ है तो आप उसको चेक मार्क कर देंगे इनपुट में आउटपुट में भी ऑटोमेटिकली चेक मार्क हो गया था तो मैंने रहने दिया पर वैसे ज़रूरत नहीं है कि मतलब जो सॉफ्टवेयर से फिर वापस उसमें जाएगा तो मैं उसका कुछ खास करने वाला नहीं हूँ बट इट कैन भी समटाइम्स हेल्पफुल कि आउटपुट भी उसमें जाए बिकॉज uh, अगर आपका कंट्रोलर है उस उसमें अगर सिंक वाले सेटिंग्स है आप उसी के नॉब और वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो तो आपका डॉका आउटपुट भी वहाँ जाना जरूरी रहता है बट फॉर मोस्ट केसेस वी आर ऑलरेडी वी ओनली नीड इनपुट कि हम जो भी नोट्स अपना मिडी की से डालें वो हमारा सॉफ्टवेयर रीड कर पाए एंड दिस इज बेसिक फॉर एनी डी उसमें जा करके आप देख लेना आपका जो कंट्रोलर है वो इसमें दिखना चाहिए ऐसा करके उसको चेक मार्क कर लेना है। ठीक है वंस वी आर डन विद डैट लेट्स लुक एट कि प्लेबैक और रिकॉर्डिंग में सी इस वाले कीबोर्ड में आफ्टर टच नहीं आफ्टर टच इज़ लाइक एक तो होता है कि टच आप जितना जोर से बीट करोगे उतना जोर से यू you नो know, उतना वेलोसिटी से वो साउंड निकलेगा और एक होता है कि आपने प्रेस कर दिया है उसके बाद भी आप प्रेशर को बढ़ाओगे घटाओगे ऐसे मूव करोगे तो आ, क्या कहते हैं वहां से एक इंफॉर्मेशन निकलता है एज एन आफ्टर टच एंड दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल सम यू नो इंस्ट्रूमेंट का कुछ पैरामीटर्स तो इसमें की आफ्टर टच चैनल आफ्ट कुछ भी नहीं है इस वाले मीडिया वोड में वी आर नॉट बॉर्डर इसको ऑन भी रखेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं आएगा तो ये बहुत सारी सेटिंग्स है ये बाकी मैक्सिमम सब चीज़ें आप ऐसे रहने दो कभी अगर आपका मीडी कंट्रोलर थोड़ा दिक्कत कर रहा है आप कोई ऐसा मीडी कंट्रोलर यूज़ कर रहा हो जो फालतू में uh, कुछ चैनल को चेंज करने का वो दे रहा है तो यू शुड एक्चुअली पैच चेंज वाला जो चीज़ है उसको आपको बंद करने कर देना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा इट इज़ लाइव अगर आप परफॉर्म कर रहे होज सॉफ्टवेयर को लेके तो आपको काम में आएगा कि आप वहाँ पे कुछ मैप ऐसा करके रख दो पैच चेंज हो जाएगा सॉफ्टवेयर का तो दैट कैन बी हैंडी बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पैच चेंज वाला जो है इस चीज़ को आप बंद कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सीडेंटली आप एक साउंड आपने सिलेक्ट किया हुआ था और मीडी कंट्रोलर ने कोई सिग्नल भेजा आ, कोई दूसरे चैनल से एंड इट ट्रिगर्स चेंजिंग इन द साउंड वो पूरा का पूरा जो रीसेट है आपके गाने का मान लो कि अभी आप पियानो का प्रीसेट सिलेक्टेड था स्पेसिफिक वी में सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट में और जैसे ही यहाँ से एक सिग्नल गया एंड इट चेंज्ड दैट टू मान लो कि इलेक्ट्रिक पियानो या स्ट्रिंग्स का साउंड में समथिंग लाइक दैट ओके हम बहुत ज्यादा बोलने से खांसी आती है आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ये सब चीज़ें हैं लेट्स नॉट बॉर्दर अबाउट दैम दिस इज फाइन कंट्रोल सर्फिस अगर हम कुछ भी जैसे होता है ना कि mm, जो फेडर पोर्ट और इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो सब अगर कनेक्ट करना है तो वो सब हम यहाँ पे यू नो कंट्रोल कर सकते हैं आई थिंक अगर आप उतने एडवांस्ड <laughs> जब जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ऑल ऑफ दो थिंग्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम आई डोंट थिंक यू आर सो मच बॉडर्ट यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें आप पहले से कन्फिगर करके रख सकते हो बाई डिफॉल्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहो कि बाई डिफ़ॉल्ट मेरा सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर ना बने बेसिकली आप बनाओगे सी ड्राइव के अंदर मान लो कि क्योंकि आजकल सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव लगा के रखते हैं हम लोग कंप्यूटर में जो सी ड्राइव होता है एटलीस्ट उसमें और उसमें हम म्यूज़िक बनाते हैं सब कुछ करते हैं रीड एंड राइट स्पीड हमको अच्छा मिलता है प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिव चलता है बाद में जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है हम क्या करते हैं उस प्रोजेक्ट को कॉपी करके दूसरा किसी नॉर्मल हार्ड ड्राइव में एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में एक प्रोजेक्ट का फोल्डर में वहाँ पर जाके बढ़िया से शॉर्ट लिस्ट करके रख देते हैं तो आप चाहो तो अगर आप डेस्कटॉप टॉप पर हो एंड डेस्कटॉप टॉप पर मोस्टली सेवेंटी टू के हार्ड ड्राइव्स होते ही है नॉर्मली तो आप उसको सीधा सीधा यहाँ पे वो पाथ चेंज करके ही रख सकते हो ताकि वो वहीं पे बनता रहे यू नो कैन बी हेल्पफुल बट मोस्ट यूज के सिनेरियो में आपका सी ड्राइव पे ही रहेगा ये और आरकाई व बाद में अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या कहीं पे भी जहाँ भी इंटरनल में कहीं और आप वो आराम से बाद में मूव कर सकते हो उसको ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ऑडियो डेटा ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे लेट्स टू डिफॉल्ट ओबियसली आप चेंज कर सकते हो इन सब चीज़ों को ये अगर जब आपने कुछ सेव नहीं किया होगा तब भी ग्लोबली वो यहीं पे रिकॉर्ड कर रही होगी फाइलें वहाँ पे आ रही होंगी ठीक है अब यहाँ पे हमने देख लिया कि 24 बिट और रेंडर इज बत्तीस बिट इम्पोर्ट औरिजिनल ये सब चीज़ें सेटिंग हो रखी मैं कहूँगा कि जब आप कोई फाइल को इम्पोर्ट करो यार प्लीज़ उसको चौबीस पे कन्वर्ट कर देना ट्वेंटी फोर बेच पे है ना मे बी मैं कोई एट बिट का फाइल इम्पोर्ट कर रहा हूँ बट स्टिल यू नो लाइक कन्वर्ट एड सो दैट दैट इज़ कम्पेटिबल विद द करेंट प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग इन मैं ऐसा करके भी रख सकता हूँ वी एस टी आई वाला इसमें आएगा तो विंडोज इज़ वेरी नॉट फॉर कि वो कहीं कहीं पर भी इधर उधर किधर ही भी मतलब वी एस टी आई इंस्टॉल कर देगा ठीक है सो so, आप यहाँ पे वो पार्ट्स एड कर सकते हो जैसे प्रोग्राम फाइल्स एक्स एट्टी सिक्स के अंदर वी एस टी प्लग इंस है जहाँ पे बत्तीस बिट प्लग इंस इंस्टॉल होंगे ओके आपको नहीं चाहिए बत्तीस बिट प्लग इन तो आप यहाँ से सीधे इसको बंद कर सकते हो ठीक है और अगर मान लो कि आप गलती से कुछ ऐसा इंस्टॉल करते हो और आप चौंसठ बिट वाला प्लगइन भी बत्तीस बिट के फोल्डर में इंस्टॉल कर हो तो एनी आपको ये ऐड करना पड़े बट आप सॉफ्टवेयर के अंदर से भी डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को बत्तीस बिट करना है कि नहीं करना है कैसे करना है ठीक है ये केक वॉक के अंदर ये कॉमन फाइल वी एस टी थ्री स्टाइनबर्ग के अंदर वी एस टी थ्री प्रोग्राम फाइल्स वी एस टी प्रोग्राम फाइल्स वी एस टी प्लग या मोस्टली सिक्सटी फोर बिट्स वाले प्लगिन्स यहाँ पे जाएंगे तो ये मैंने अलग से ऐड कर दिया और भी कहीं इधर उधर जाता है एफ एल वेफ एल वहाँ भी कहीं पे सेव हो रहा होगा तो टू जस्ट ऐड दैट थिंग yeah? और उसके बाद स्कैन इन सेंडो सेंडबॉक्स मॉड मोड इसको ऑन ही रखने देना कि प्लग इन अगर कुछ एरर करता है कुछ भी करता है तो प्लग इन क्रैश होगा प्रोजेक्ट नहीं क्रैश होएगा उसका वजह से ठीक है बैकग्राउंड uh, में स्कैन करता रहेगा कोई भी प्लगइन और वो सब चीज़ों को आप इसको ऑफ भी रख सकते हो स्कैन ऑन स्टार्टअप को भी रख सकते हो तो ऑन होने से पहले वो वो करेगा बट उससे आपका सॉफ्टवेयर हर बार थोड़ा स्लो ऑन होगा और मैनुअल स्कैन पे भी रख सकते हो कि यार हमेशा फालतू में स्कैन मत करते रहो मुझे जब लगेगा कि स्कैन करना है तो आई कैन जस्ट कम हेयर एंड स्कैन वाला बटन पे मैं प्रेस कर सकता हूँ अगर मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है मतलब कोई नया वी एस टी प्लग इंस्टॉल किया है तो मैं आगे खुद ही स्कैन का बटन प्रेस कर सकता हूँ दैट कैन बी डन एज वेल ठीक है हाइड रिलेटेड वी एस टी टू प्लग अगर आपने वी एस टी थ्री वाला वर्जन इंस्टॉल किया है तो वो उसका रिलेटेड वी एस टी टू वर्जन को हाइड कर देगा रिप्लेस इफ पॉसिबल प्रोजेक्ट लोड ओके दिस इज़ फाइन जो ब्रिजिंग वाला ठीक है इट्स ऑटोमेटिक इट इज़ फाइन एज वेल इनिशियलाइजेशन फाइल एडवांस्ड एनेबल वर्जन और ऑटो सेव कितनी देर में करेगा मैंने यहाँ पे वन पे कर रखा है शायद या पहले से ही वन पे था आई डोंट नो तो हर एक मिनट में अपने आप ऑटो सेव भी करता रहेगा नो लाइक इन केस आपका कहीं क्रैश हो जाता कुछ हो जाता तो एटलीस्ट एक मिनट पहले तक का डेटा आपके पास रहेगा तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हो आई वोंट रिकमेंड कि दस मिनट बाद वो ऑटो सेव वाला रखो आप एक मिनट रखो दैट इज़ मच बेटर ठीक है तो आज बिफोर सेंडिंग एक्सलू ओपन प्रोजेक्ट समथिंग अलाउ वन प्रोजेक्ट स्टार्टअप ये सब ठीक है इसके ज़्यादा बॉर्डर करने की ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड मोड इस कॉम्पिंग एक मज़ेदार फीचर जो है इसमें इवन बहुत सारे पेड डी डब्ल्यूज में नहीं है सेफ स्टूडियो पेड होने के बावजूद में उसमें अभी तक भी कॉम्पिंग का फीचर नहीं है एबल्टन में इलेवन आने के बाद में कॉम्पिंग का फीचर आया बट कॉम्पिंग इज समथिंग कि आप एक ही ट्रैक पे मल्टीपल टाइम्स लूप में या ऐसे में वोकल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते रहते हो और वो टेक फोल्डर्स बनाता रहता है नीचे नीचे आपने देखा होगा मैंने बहुत बार लॉजिक में भी जब मैं वोकल्स टेक करता हूँ तो मैं उस तरीके से करता हूँ और बाद में आप उनको टेक्स को यू नो स्लाइड कर करके कर करके एंड कॉम कर सकते हो ठीक है अगर आप इसको अलाउ आर्म ड्यूरिंग प्लेबैक ऐसा ऑन करके रखोगे तो जिस भी ट्रैक पे आप क्लिक करोगे तो सॉरी हाँ जब आपका क्या कहते हैं प्लेबैक चल भी रहा होगा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी समय पे भी आप ये आर्म का मतलब है कि रिकॉर्ड इनेबल करना किसी ट्रैक को ये जो लाल सा बटन दिख रहा है क्योंकि अगर रिकॉर्ड इनेबल नहीं करोगे तो फिर क्या कहते हैं वो उस ट्रैक पे नहीं रिकॉर्ड होगा या जिस जिस ट्रैक पे आप इनेबल करोगे उन सारों ही इकट्ठे रिकॉर्ड होएगा सो so, मेक श्योर sure कि आप इस चीज़ को आराम से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो स्टोर टेक्स इन सिंगल ट्रैक लूप रिकॉर्डिंग स्टोर टेक्स इन सेपरेट ट्रैक्स दिस इज अ फंटास्टिक थिंग एज वेल ऐसा भी हम कर सकते हैं ठीक mm, है रीयूज एग्जिस्टिंग टेकलैन अनलेस टेक ओवरलैप्स क्रिएट न्यू टेकलैंड ठीक है ये सब डिफॉल्ट में भी रहने दे सकते हैं बट जी सर रियली नाइस फीचर्स स्टोर टेक्स इन सेपरेट ट्रैक्स वाला भी कर सकते हैं हम चाहे तो मल्टी ट्रैक डू नॉट ग्रुप ट्रैक्स ग्रुपिंग भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं मिड की तरफ जीरो ये सब ठीक है सिंक विंक ऑन करने का की जरूरत नहीं मेट्रोनोम की सेटिंग्स है ठीक है ये साउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो चाहो तो अगर आपको ये किट किट वाला जो आवाज़ करता है वो अगर पसंद नहीं है तो आउटपुट्स टू मेट्रोनोम वाला एक अलग बस बनाया हुआ है उसने अंदर ही अंदर उसके अंदर जाता है यू कैन चेंज दैट थिंग कि वो कहाँ कहीं और जा रहा हो बोल के ऑडियो यो स्नैप ठीक है ये भी सेटिंग ठीक है फेड्स छोटा सा हल्का सा फेड ऐड कर देता है ये दिस इज़ फाइन ना क्लॉक ये तब आपके काम में आएगा अगर आप कोई बैकग्राउंड स्कोरिंग कर रहे हो ना मान लो कि जैसे इंडिया है जहाँ पे 25 एफ पे हम लोग फिल्म्स शूट करते हैं एडिट करते हैं तो अगर ऐसा है तो आपको ये तब 25 एफ पे करना पड़ेगा मान लो कि YouTube यूट्यूब का कंटेंट है और कोई आपका जो वीडियो क्रिएटर है वो थर्टी एफ पे काम करता है तो आप उससे पूछ लेना है ना एन डी एफ इज लाइट नॉन ड्रॉप फ्रेम्स डी एफ इज़ लाइक ड्रॉप फ्रेम्स ठीक है अगर आप एन रीजन में हो कहीं पे जहाँ अगर विदेश में हो कहीं पे एन टी एस तो चो वहाँ पे जो वीडियो शूट होता है वो चौबीस एफ़ पे होता है मोस्टली और चौबीस एफ पी पे फिल्म एडिट होती हैं या ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी थ्री पे एन के लिए ये, ये या तो ये आप सिलेक्ट करोगे थर्टी एफ के लिए आप ये ये, ये या ये सिलेक्ट कर सकते हो हम लोग अक्सर पच्चीस पे ही रहते हैं एंड टिक्स पर क्वार्टर नोट ये सब ठीक है बढ़िया है ये सही जगह पे अगर आप इनकेस मान लो कि आप वीडियो कर रहे हो और वीडियो किसी अलग एफ पी एस पे है और आप बैकग्राउंड स्कोर कर देते हो किसी अलग एफ पी एस पे इसको रख के जब आप एक्सपोर्ट करोगे और जब वो ऑडियो इम्पोर्ट करेगा तो वो फिर आपका वीडियो एडिटर को दिक्कत आएगा क्योंकि वो ग्रेजुअली ऑडियो थोड़ा खिसकता खिसकता सच आएगा सो इट इज़ समथिंग यू शुड कीप इन माइंड सारे डी एडब्ल्यूज़ में ही होता है ये फीचर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं मतलब सारे मैच्योर डी ए में एनी आगे बढ़ते हैं ये सब चीज़ें डिस्प्ले में आप बहुत सब चीज़ें चेंज कर सकते हो इसको रहने देते सब ठीक है थीम्स आप चेंज कर सकते हो मर्क्यूरी लुक्स गुड ओके है और अगर आपको और भी बहुत सारे हैं इसमें थीम्स वगैरह डाउनलोड किए जा सकते हैं ऐसा भी कर सकते हो आप कलर्स है जो आप अलग अलग चीज़ों का कलर्स आप चेंज कर सकते हो ठीक है नजिंग इज़ लाइक आगे पीछे जाने वाला ये सब चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो स्नैप टू ग्रेड इसका भी चेंज कर सकते हो स्नैप टू नियरेस्ट ऑडियो ज़ीरो क्रॉस फीडिंग्स ये सब इनेबल कर सकते हो जीरो क्रॉस फेडिंग मतलब ऑडियो इज़ लाइक ज़ीरो और वन का कॉम्बिनेशन है तो कि आप जब ऐसे एडिट करोगे काटोगे या कुछ स्नैप करके लेके आओगे तो जीरो क्रॉस फेडिंग पे काटे आप ये इनेबल कर सकते हो चाहो तो एडिटिंग कॉपी एंटायर क्लिप्स इज लिंक्ड क्लिप्स एंड ड्रॉप करोगे तो क्या होगा उसका है ना हुआ डू एग्जिस्टिंग से क्या रहेगा ये सब क्या रहेगा अरे बाप रे बाप इसका सेटिंग बहुत सारा है अभी भी ठीक मेरी uh, कीबोर्ड ये वो मीटर्स ये सब जैसा है वैसा रहते है एनालिटिक्स जैसा है वैसा रहते हैं है ओके अरे मेरा मुँह दर्द हो गया बाबा कितना लंबा बिल्कुल <laughs> ओके अब हमने एक बार इसका सेटिंग कर लिया है ग्रेजुअली कुछ आप ये सब देखोगे कि ये इसको आर्म करने के लिए क्या कहते हैं रिकॉर्ड अगर आपको इस ट्रैक पे करना है तो यू हैव टू आर्म दिस थिंग अब इसमें अगर आपको अभी फ़िलहाल देख रहे हो ये ट्रैक स्टेरियो हो रखा है दो इक्वलिटी लगा हुआ है इसमें ठीक अगर हम जैसे कि हम माइक हमारा एक ही इनपुट में लगा हुआ है तो हम सीधे सीधे उसी से ले लेंगे फिलहाल तो आप देख रहे हो ये मोनो हो गया है यहाँ पे आप ये मोनो स्टेरियो यहाँ से भी इंटरलिफ्ट और वो कर सकते हो ये वाला आइकन अगर आप देख रहे हो तो ठीक है आम, ये अगर मैं ऑन करूँगा तो आपका डबल डबल आवाज़ आई होगी अभी बिकॉज मुझे भी आई और वो थोड़ा लेटेंसी के लेट आ रही है वो आवाज़ दैट हैपन्स ठीक है ये मीडी का ट्रैक है अगर आपको एक्सटर्नली भेजना है कुछ किसी दूसरे जगह पे या मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ अगर राउटिंग करनी है तो उसके लिए भी तो आज के लिए थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स चीज़ें करते हैं ठीक मैं आपको सिंपली सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मान लो कि हमको कोई गाना बनाना है और उसके लिए बी डी पहले इंपोर्ट करेंगे कुछ करेंगे तो ये आप 48 एट किलोर्स चौबीस बिट यहाँ पे दिख भी रहा है यू कैन टेक अ लुक हेयर आपका स्नैपिंग का सेटिंग स्नैप टू या स्नैप बाई एक बहुत अच्छा फीचर होता है ठीक है ये स्मार्ट पे है दिस फाइन राइट क्लिक करोगे तो इसी से बहुत सारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे क्या क्या चीज़ें एडिटिंग एडिट से क्या हो रहा है स्ट्रेच हो रहा है कॉम्पिंग हो रहा है स्प्लिट हो रहा है इस आइकन पर रहते वक्त क्या जो आप ड्रा कर रहे हो क्या कैसा टाइप का चीज़ ड्रा कर रहे हो अगर आप इरेज कर रहे हो तो इसमें इरेज हो रहा है कि म्यूट हो रहा है ये इरेजर ठीक है न, ये हो गया हमारा स्नैपिंग का सेटिंग्स भगवान इट्स इट्स सो मच टू बी टेकन केयर ऑफ ठीक है तो अब हम चलते हैं एक छोटा सा कुछ ये मीडिया बे हो गया जहाँ पे अगर आप ये सब चीज़ें ऐड करोगे या डाउनलोड करोगे तो आपको ये सब दिखेगा यहाँ पे सारी फाइलें दिखेंगी दैट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इन हीयर अगर जब रहेगा वो सब चीज़ें तो मैन्युअली कन्फिगर कर सकते हो उस चीज़ को और भी यहाँ पर रहेगा कि अगर यहाँ पे है तो एफेक्स हो गया कि ये वो रिवर्ब डिले विले जो भी फोटोटी फोटो सब इधर मिलेगा ये हो गया मीडी इफेक्ट्स जैसे मिडी ट्रैक के ऊपर आर पी और ये सब चीज़ें अगर लगाना हो तो यहाँ मिलेगा ये आपको मिलेगा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स जो भी वी एस टी आईज आपने जो भी इंस्टॉल किए होंगे इसमें वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको और ये रिवायर हो गया जैसे कि आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को इसके साथ में रिवायर कर सकते हो विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड में एफ स्टूडियो चला रहे हो कुछ चीज़ें आप वहाँ से लेना चाहते हो यू कैन डू दैट एज वेल बहुत सारे सॉफ्टवेयर में रिवायर का फीचर एनी तो वी डालने के लिए हम जैसे कि ये इसके साथ में ये इलेक्ट्रिक पियानो आता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आप इसको क्लिक करके अपना मीडी ट्रैक पे या कहीं इधर उधर ट्रैक भी कर सकते हो आप सीधे सीधे यहाँ पे भी ट्रैक कर सकते हो या उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो सो इट विल आस्क कि हमको क्या बनाना है हाँ हमको सिंपल ट्रैक बनाना है मीडी सोर्स वोर्स ये सब का जरूरत नहीं है हमको ये सब चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ तो दैट्स इट एंड आई एम डन अब ये देख रहे हो ये आ, हल्का सा ये जो इनपुट का वो दिख रहा है उसका वजह से अब ये मैं चाहूँ तो इसको बड़ा कर लूँ और भी बड़ा छोटा ऐसा करना है तो मैं चाहे वैसा कर लूँ मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट खोल के दे देगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे लूब्स भी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बट अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ बजा सकता हूँ ठीक है hmm. दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है तो उसके लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐड हो जाएगा मेरा बड़ी आसानी से ठीक है इसको हम खोलते हैं तो, तो फंटास्टिक अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं ऑक्टेव शिफ्ट करेंगे तो आई थिंक वी शुड दिस इज हाउ इट एक्चुअली साउंड्स साउंड्स गुड टू मी प्रोग्राम को हम चेंज भी कर सकते हैं कि किस टाइप का वो स्लो स्ट्रिंग्स ओके लेट्स लोड इन दिस थिंग दिस साउंड्स अ बिट लाइक पैड्स जैसा जैसा साउंड कर रहा है ठीक है तो ऐसे सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो इसके अंदर से ऑर्केस्ट्राउड्स ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर बहुत सारे थर्ड पार्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे फ्री वी एस भी मिलते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हो स्पिटफायर लेब्स स्पिटफायर का खुद का भी जो डिस्कवरी वाला समथिंग ऐसा वाला वी एस टी भी वो भी बहुत अच्छा है ऑर्केस्ट्रल ऐसा चीज़ करने के लिए डाउनलोड दैट वाइटल हो गया जो कि एक फ्री सिंथिसाइजर है विच आई रियली लव वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स इवन लाइक इफेक्ट्स भी बहुत सारे आपको मिलेंगे फ्री में दैट यू कैन डाउनलोड एंड ऑबियसली यू कैन बाई एनी पेड सॉफ्टवेयर एंड इट वर्क इन साइड एट मतलब आपको डॉ फ्री में मिल गया बाकी जो भी आपको धांसूस तो आप लगनी चाहिए आप रेगुलरली इस्तेमाल करने वाला वो आप खरीद लो या आपके पास मे भी कोई बंद आप किसी और उसमें थे आपके पास में था पहले से यू इंस्टॉल इट एंड इट वर्कस फेंटास्टिकली ठीक है अब चलते हैं कि हमको अगर प्रोजेक्ट है हमारा और उसका टाइम सिग्नेचर अगर चेंज करना है तो यहाँ से टाइम सिग्नेचर हम चेंज कर सकते हैं ठीक है और अगर प्रोजेक्ट का हमको की चेंज करना है कि इस की में है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं आप, आपको ख्याल होगा कि उसमें भी ये फीचर है लॉजिक प्रो एक्स में भी कि अगर आप यहाँ से की सिलेक्ट कर लोगे तो व्हाट हैपन्स कि मान लो कि आपका प्रोजेक्ट ए में है आप जो गाना बना रहे हो और आपने कोई सी का लूप लिया तो उसको अपने आप ही लूप को ट्रांसपोज करके वो ए पे ले जाएगा अगर वो लूप में मार्ग है मतलब तो इट्स अ रियली हैंडी फीचर दैट यू कैन यूज इफ यू वॉन्ट टू ठीक है अब तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने चाहा चलो इसको क्लिक ऑन करते हैं प्लेबैक के टाइम पे तुम्हें जो मैंने देखा आ, कैसा होगा हंड्रेड के आसपास। तुम्हें जो मैंने देखा મે જો મેને ચાહા જો હોશ થા વો તો ગયા ઠીક હે તો પર અગર મુજે કોઈ ભી ચીઝ બજાની હો તો ઉસસે પહેલે મેરેકો ક્યા કરના પડેગા આઈ નીડ ટુ ફાઇન્ડ ધ સ્કેલ ઓર ઉસમે મેરેકો અપના એક kuch તો ડાલકે કરના પડેગા ابھی હમ લોગ થોડા કેરાઓ કે કે ઉપર ભી બાત કરેંગે ડોન્ટ વરી થોડા સા મે આપકો ગ્રુપિંગ ઓપિંગ બાકી સારી ચીજો પે ભી લેકે જાઉંગા બટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અગર આપકો માન લો કે મેરેકો રેકોર્ડ કરના હે તો ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ तुम्हें जो मैंने देखा मैं इसमें कह रहा हूं तुम्हें जो मैंने देखा तो hmm. so, ये शायद सी मैन्यूर में गा रहा हूं मैं आई गेस सो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो तुम इतना जो तुम इतना जो मैं अपना मॉनिटरिंग जरा ऑन कर लेता हूँ बिकॉज मुझे अपनी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है एंड इट बिकम्सिंग बदनते सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रहे हो जरा पास आओ तो चैना जाए जो भी आपका मन में जो गाना आ रहा हो यू कैन ऑब्वियसली फाइंड इट एंड सिंग इट तो मान लो कि ये हम करना चाहते हैं तो पहले कोई भी गाना हो या कोई और सिंपल सा गाना उठाए चलो चलो कोई और देखते हैं क्या हो सकता है तू, तू से नाराज नहीं मुझे ऐसे ही गाने क्यों याद आ रहे हैं चल हम कोई गाना ढूंढते जो हम सी माइनर में बनाएंगे ठीक है ओके फाइन सौ बीपीएम के आसपास एंड सी माइनर ओके तो ये सारा आर्म कर देंगे तो सारे ट्रैक्स आम हो जाएंगे वो नहीं चाहिए हमको वी जस्ट नीड टू आर्म दिस ट्रैक एंड अगर हम आर का बटन प्रेस करेंगे तो इट शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग अब मान लो कि ये चीज हो गई हम तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमको ये दिख जाएगा मीडिया खुल जाएगा इसमें या और ये खुलने के बाद में ओके बाय द वे अगर आप यहाँ पे हो और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे नो ट्रैक अरेंजर इसकी सेटिंग्स ना, इसको ऑटो क्वांटाइज करने से लेके एवरीथिंग शुड बी हियर इट्स वेरी खतरनाक चीज़ ओके okay, सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ओके okay, और अगर इसको क्वांटाइज करना है तो आई थिंक क्यू से होना चाहिए या क्वांटाइज सिक्सटीन एप्रेस्ड क्यू से ओके क्यू क्वांटाइज डन ठीक है बढ़िया एकदम सही हो गया अब मेरे को ये नहीं चाहिए आई कैन जस्ट क्लोज दिस थिंग आई कैन क्लोज दिस वन एज़ वेल और हमारे पास में एक ऐसा लूप आ गया अब इसको थोड़ा सा यहाँ काट देते हैं ए भगवान हाँ ऐसा करके चला गया तू नया सॉफ्टवेयर में किसी को भी थोड़ा सा परश, परेशानी हो सकता है एडिट बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है एडिट आँखों में नमी न छेड़ जा रहे हो ओके तो इसको ऐसे क्रॉप कर लेते हैं बट वैसे तो डबल क्लिक करने से कट जाना चाहिए आ, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं और यहाँ पे अगर हम ऐसा करके करेंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा दिस इज ऑल्सो या रोल स्टाफ एडिटर और ये स्टेप सिक्वेंसर व्यू वही सभी व्यू में हम इसको खोल सकते हैं जो भी हमको विंडो नहीं चाहिए हम उसको ऐसा करके मिनिमाइज भी कर सकते हैं और इनको मूव भी कर सकते हैं जिस को इधर उधर इंस्पेक्टर अगर नहीं चाहिए तो ये बाय द वे ये वाले पोर्शन को इंस्पेक्टर बोला जाता है जहाँ पे ये आपको ये सब पेनिंग वैनिंग वॉल्यूम वॉल्यूम छेड़ने का ये सब चीज़ें मिल जाता है प्लग इन वगिन लगाने का ऑप्शन Uh, जो बीच वाला सेक्शन होता है वो ट्रैक्स वाला एरिया होता है ट्रैक्स के अंदर जो भी चीज़ आप रिकॉर्ड करते हो उसे क्लिप्स कहते हैं जो यहाँ पे होता है उसे ब्राउजर कहते हैं ओके ब्राउजर में आप ब्राउज फॉर लूप्स लग एंड एवरी लाइक वो भी आप वहाँ पे ठीक अब इसको अगर हमें डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी विंडोज में ओके और अगर मैं कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऐसे ही स्क्रॉल हो रहा है ऑल्ट के साथ में अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये ज़ूम आउट हो रहा है ठीक है और हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर लेते हैं बिकॉज व्हाई वाई तो बनता है आपका अब मान लो कि हमको कुछ रिकॉर्ड करना है तो वेरी सिंपली कैन प्रेस आर और वो वहीं से रिकॉर्ड करना शुरू करेगा जहां से मैंने आर प्रेस किया यू कैन सी एक गड़बड़ हो गई थी शायद वो ये कि आ, see, कुछ चीज़ें जल्दी बज रही हैं आगे जल्दी आ गई थी ओके लेट्स प्रेस क्यू अगेन इस फाइल पे हैं प्रेसिंग क्यू हम करते हैं वन बाई एट पे क्वांटाइज ठीक है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लाउजी बजाया था इसको तो दैट वाज़ द प्रॉब्लम ओके मैं एक काम और करता हूँ क्या काम है वो वो है कि मैं ज़रा सा आगे और रिकॉर्ड कर लेता ओके okay. ओके। okay. अब मान लो कि ये हमारा लूप है अब अगर मैंने थोड़ा कम हाँ। सेलेक्ट करना पड़ेगा देन यू हिट क्यू तभी ये खुलता है ओके दिस वर्क्स फाइन कंट्रोल डी आई थिंक थोड़ा शॉर्ट कीज और ढूंढ लेना uh, मेरी तरह आलस मत करना शॉर्ट कमांड ढूंढने में ठीक है नहीं तो आपका रिकॉर्डिंग का प्रोसेस इतना स्लो होगा कि आपके दिमाग में जो आइडिया है वो यहां छपने से पहले ही चला जाएगा और यूल बी स्टक ठीक दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड वे मोनो में ये फाइल रिकॉर्ड हो गया अगर जैसे ये थोड़ा आपको पसंद नहीं आया तो आप इसी के ऊपर में यू कैन रिकॉर्ड ठीक एक गड़बड़ हो गया अरे बाबा गड़बड़ ये उफ फिर से मैंने कुछ और गड़बड़ कर दिया एक के साथ में दूसरा गड़बड़ फ्री Um, वो ये है कि अब ये वॉल्यूम दिखने लगा है हम सीधे क्लिप्स में चलते हैं गड़बड़ है वो है कि ये जो क्लिप है काम किया मेरा डिलीट का बटन ये एट तक जाने का था ना तब जाके ये लूप हो गड़बड़ जगह पे लूप हो क्या ऐसा मत करना आप एंड देन यू विल बी स्टक ठीक अच्छा हुआ कि ये गलती हो गया तो आप कह रहे अरे भैया आप तो बहुत एकदम चक्कू बना रहे थे हमारा तो फंस रहा है हाथ ठीक है ओके अगर आपको दूसरा टेक करना है तो मे भी हम ऐसा करते हैं कि डुप्लीकेट दिस थिंग डुप्लीकेट द ट्रैक नीचे आ गया ये इसको हम ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं यहीं पे। ये वाला मेरी ड्रैग को डिलीट कर देते हैं आई एम नॉट लाइकिंग दिस थिंग चलो ठीक है अब सेकेंड टिक ऐसा हो गया अब देखो आपकी बार मैंने क्या किया कि आपकी बार मैंने ज्यादा ही लंबा बना दिया क्या ही कर रहा हूं मैं ओके okay? ठीक है बढ़िया है ये कुछ और खुल गया ए से अरेंजर ट्रैक खुल रहा था वी डोंट नीड इट ओके राइट क्लिक करके हम इसको और एक बार डुप्लीकेट करते हैं प्रॉपर्टीज ये वो जो भी है ठीक है जाओ आगे बढ़ो नीचे पता नहीं क्यों आ रहा है तो इसको बंद करते हैं hmm. अब मान लो कि इसके आगे का वो है हाँ आ, ये जो दो ट्रैक मैंने रिकॉर्ड किया है एक को मान लो कि हम थोड़ा सा ऐसा लेफ्ट कर देते हैं दूसरे वाले को पकड़ते हैं इसको थोड़ा सा राइट कर देते हैं ना सिक्सटी सिक्सटी ऑलमोस्ट ठीक है सिक्सटी सिक्सटी वी कैन एक्चुअली पुट वैल्यूज़ आई गैस चलो फिलहाल के लिए ऐसे ही कर लेते हैं नाउ यू कैन सी Once you are done with that, तु, तु जान मेरी जान अच्छा अगर मान लो कि तुम्हें ऐसा क्रॉस फेट करना हो तो ऐसा भी कर सकते हो अब देखो दोनों बराबर काट लिया है दोनों को हमने सिलेक्ट भी कर लिया है यहाँ पे आके उप्स यहाँ पे आके ये देख लो एक तिरछा सा आइकन आ गया अब आप इसे क्रॉस फेड कर सकते हो अब इसको यहां से डिलीट कर देते हैं और फिर इनको सिलेक्ट करके यहाँ से हल्का सा क्रॉस फेड इन कर देते हैं ठीक आगे आते हैं आई क्या होना चाहिए तुमसे मिलके जान में जो इसलिए सिलेक्ट किया हुआ बिकॉज़ आप भी चला जाता है बट मोस्ट प्रोबब्ली आप अपना जो ऑडियो इंटरफेस है उसका आज़ियो ड्राइवर सिलेक्ट करोगे व्हिच वुड बी लाइक मेरे केस में ऑडियंट का मैंने वो फिलहाल ईवो फोर लगा हुआ है इसमें तो इट वुड बी लाइक मच बेटर आईडिया जान मेरी, जान तुम तो जान मेरी बन गए गए। मान लो कि दिस इज आवर लाइफ। जान मेरी जान तू तो बन गए जान मेरी जान तू तो बन गए बन गए बन गए बन गए ओके ऊपर बन गए बन गए गए ना 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 जो भी है मतलब आप तुम्हारा मन है तुम अपना गाना क्या लिखते हो बट एनी वे तो दिस इज मच एट इतना अगर आपने कर लिया है and yeah, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि दैट इज अंडरस्टैंडिंग द ग्रुपिंग फैक्टर है ना अब एक काम मैं ये करूँगा कि यूसी कि ये दोनों लेफ्ट राइट -right है ये एक सिंगल ट्रैक है तो और लेफ्ट राइट -right किया हुआ है और दो है तो इसलिए ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ना लाउड साउंड करेगा तो हमको चाहिए कि हम इसका जो गेन है ये दोनों का गेन थोड़ा सा क्लिप का गेन हम कम कर दें बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम ट्रैक ठीक है तो यहाँ पे आप जाके क्लिप इफेक्ट्स नोट वी डोंट नोट क्लिप इफेक्ट्स भी डाल सकते हो आप बाई दैट्स अनादर फीचर आई शुड लुक इन टू एट मैंने और भी जैसे लॉजिक में उसमें भी आप देखोगे कि क्लिप इफेक्ट्स यूज करके हम चीज़ें चेंज कर देते हैं विच जो इफेक्ट स्ट्रीट उस क्लिप में बेक कर देते हैं ओके um, प्रॉपर्टिस okay, में एंड क्लिप ऑफ सैट ये वो क्लिप का नाम इधर चला गया रहा, गेन किधर चला गया आ, ऐसा क्यों कर रहा है आ, म्यूट ट्रिपलिंग बैकग्राउंड आई वॉन्ट द गेन हाँ तो सही है यहीं पे कहीं तो नोट पिच ये सब चीजें हैं विच भी अगर आपको चेंज करना हो आप यहाँ से कर सकते हो ऑडियो स्नैप फॉलो स्ट्रेच वेच ये सब ऑप्शन भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो बाई द वे ठीक है ये तो ट्रैक का इफेक्ट हो गया कहाँ चला गया कहाँ चला गया कहाँ चला गया हे भगवान कहाँ ही चला गया Clip gain, kick walk, ठीक है इट कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा यहाँ पे दिखता तो है एक्चुअली दिख भी रहा था किसी चीज़ में ना पहले अब नहीं दिख रहा है वो अलग बात है पहले मेरे को एक बारी मैंने देखा था कि दिख रहा था एकदम मस्त हुआ कहीं पे तो ऐसा मेरे को क्लिप का गेन दिख रहा था ये रीजन क्लिप्स अप्लाई ट्रिमिंग कन्वर्ट टू मेनो स्टेडियो ये वो क्रिएट फेड ग्रुप क्लिप ग्रुप इसको भी देखने की जरूरत तो नहीं थी मुझे Hmm. Eh, भगवान कहाँ हो तुम ट्रैक नेम इज ऑडियो ओके ना ज्यादा फीचर है ना किधर ही ढूंढ के मिलेगा तुमको क्लिप गेन यहां पे इन्होंने लिखा तो होगा यार ये तो क्लिप गेन ऐसे करके दिखाओ बोल रहा है ऑटोमेशन क्लिप गेन शक्स ओके तो या मैं ऑटोमेशन नहीं करना चाह रहा हूँ इट, yeah, मैं यही करना चाह रहा था ओके okay. ऐसे दिखाना ही पड़ेगा आपको ओके दिस फाइन दिस इज़ नॉट बैड दिस इज एक्जैक्टली नॉट बैड गेन ओबियसली हम इसको ऐसा पकड़ के हमको ऐसे राइड तो नहीं करना है वी कैन जस्ट देखिए लगभग तीन चार डेबल के आसपास ये कहीं दिख रहा होता आई थिंक दिख भी रहा होगा कहीं पर तो दोनों को चार चार डीबी के आसपास में आप कम कर दोगे <laughs> सो एनी वेज दैट्स द थिंग दैट यू डू अब ये दोनों को अगर हम सिलेक्ट करते हैं दिस हाँ शिफ्ट के साथ में आप सिलेक्ट कर सकते हो दोनों को एंड वी कैन से कि नहीं कांट से लाइक द ओके दिस इज अ बिट क्लमजी थिंग आई गेस यहाँ पे होना चाहिए था इस जगह पे ऐसा वाला फीचर क्लिप का गेन को ट्रिम करने वाला विदाउट यू नो लाइक गोइंग टू द ऑटोमेशन थिंग बट ठीक है मुफ्त में इतना भी अगर मिल रहा है तो एंड आई थिंक एक्चुअली हो भी सकता है कि आपके पास हो हाँ अनादर बिग थिंग दैट इज़ हमको ये राइट right क्लिक करेंगे और इनको हमको करना है ग्रुप ठीक है न्यू ट्रैक फोल्डर तो इनको एक ट्रैक फोल्डर के अंदर डाल देते हैं हम पहले तो एंड दिस इज से दिस इज़ आवर वॉक्स वाला फोल्डर तो इनको ऑन ऑफ करेंगे तो हमको सारे वोकल्स यहाँ दिखेंगे अब ऐसा है कि ये सिर्फ फोल्डर है दिस इज नॉट समवेयर ग्रुप नहीं है जहाँ पे हम इसको ग्रुप कर सकते हैं नाउ वी नीड सम बस या यू नो लाइक एक ऑग्जिलरी ट्रैक जिसके अंदर ये सारे इकट्ठे जा सके तो यहाँ पे इंसर्ट सेंड 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 नहीं इंसर्ट नहीं करना है हमको हमको चाहिए एक ऑडियो है. क्लिक ऑडियो एडवांस्ड ग्रेट फोल्डर ये इनपुट रिकॉर्डिंग और क्या ऑप्शन है एड अ ट्रैक ऐसा वाला ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करने का दिस इज टू डुप्लीकेट द ट्रैक दिस इज ऑप्शन रुको मिलेगा मिलेगा डोंट वरी थोड़ा सा खोदना पड़ता है हमेशा ही hmm. hmm. गया इसका मिक्सर प्रोसेस ऑडियो इफेक्ट्स अप्लाई ट्रिमिंग अगर आप ये अप्लाई ट्रिमिंग कर दोगे तो उसको कन्फर्म कर देगा वो जहाँ पे था वहीं पे अनडॉक ओके व्यू विंडो हेल्प यूटिलिटीज प्रोजेक्ट प्रोसेस इंसर्ट स्टेडियो बस या यही चाहिए हमको इंसर्ट ऑफ स्टेडियो बस ठीक है यहाँ गया कहाँ गया कहाँ चला गया अब जितना भी क्लिप्स है उनका आउटपुट यू सी इज गोइंग टू मास्टर इसके जगह पे जो हमने नया स्टेडियो बस बनाया या तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली भी बना सकते हैं ओके okay. हम यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हैं एंड इट गोज़ टू अर न्यू स्टेडियो बस दैन ठीक हम कह देते हैं कि गो टू तो बस डी एंड अब सी दिस इज गोइंग टू बस डी दिस इज़ ऑल्सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बस डी मेरे ख्याल से शिफ्ट के साथ पे क्लिक करना था एंड दिस वन इज़ नॉट गोइंग टू बस डी एज वेल शिफ्ट के साथ में अगर क्लिक करते तीनों को पकड़ के आई गेस तीनों एक साथ बस पे चले जाते हैं

और बस ठीक है बस पे तीन चीज आ रहा है इन ऑडियो ट्रैक्स आ रहे हैं एंड uh, अब मेरे को चाहिए कि बाबा मेरे को मिक्सर ट्रैक तो दिखाओ मिक्सर 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 टू मिक्स ठीक है कंसोल को मैंने तब था तो सही हो नीचे हमने उसको बंद कर दिया था एनी तो ये मिक्सर हमको दिख गया है ना यू कैन सी ये हमारा बस डी पे जा रहा है एंड ये जो बस है सा राउटिंग अगर आप समझ लोगे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा इसका नाम आप दे सकते हो कि ये हमारा बॉक्स वाला बस हो गया सो नाउ वट यू नीड टू डू इज कि ये जितना भी वोकल्स है ऑल ऑफ दिस कम टू दिस बस आपको जो भी कंप्रेसर कुछ भी ये सब लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस बस के ऊपर में ओके इंसर्ट ऑडियो इफेक्ट फॉर इंस्टेंस मान लो कि इसमें कंप्रेसर आता है सोनीटस का ये काफ़ी अच्छा कंप्रेसर है डिफॉल्ट ये सब हमको कुछ छेड़ने का जरूरत नहीं है हमको बस ये देखना है कि गेन रिडक्शन जो हो रहा है उसको देखते हुए ये थ्रेश वाला नॉप को एडजस्ट करना है ठीक है रेशियो वन है रेशियो को हम डाल देते हैं थ्री इज टू वन ठीक है नाव जान मेरी जान तू तो बन गए ओके नाव अगर हमको गेन ड्रॉप हो रहा है अगर मेकअप गेन ऐड करना तो दैट वी कैन डू एज वेल एंड अगेन बैक इफ वी वॉन्ट वी कैन यूज इक्वलाइजर ये सोनीटस का इक्वलाइजर भी आ गया है इसमें पहले वाले को अगर आप चाहो तो यू कैन से हाई पास एंड हाई पास कहाँ पे? एंड क्यू फिक फैक्टर क्या है इसका एंड हम कहेंगे कि हाई पास इट टू ऑलमोस्ट लाइक हंड्रेड हर्ट्स के आसपास। और इसको बोलेंगे कि यू नो लाइक शेल्फ लो। पाँच के आसपास अब मान लो कि मेरे को मिड्स बढ़ाना है तो 100 ये थाउजेंड के आसपास टू फैक्टर भी काम करता है स्क्रॉल करने से स्क्रॉल का बटन को करोगे। एंड देन अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये आई हमारा मूव हो रहा है एंड आई थिंक आप बड़ा कर सकते हो नहीं कर सकते ओके okay, कोई बात नहीं आप कोई दूसरा प्लगिन इस्तेमाल करना चाहे तो जो आपको अच्छा लगेगा ऐसा भी कर सकते हो केस बट दिस एक्चुअली वर्क्स अब हमको चाहिए कि इंसर्ट अफेक्ट चेन वेन ये सब कुछ नहीं हमको चाहिए कि आम, राइट क्लिक इंसर्ट अ सेंड ठीक है न्यू स्टेडियो बस अब इस वॉक से सेंड जा रहा है बस नंबर ई पे ठीक है और इसका नाम दे देते हैं मान लो कि रेब है इसका नाम ठीक है तो रिबॉब पे हमारा इतना जा रहा है पोस्ट यानी कि इस फेडर के बाद का सिग्नल लेगा ठीक है इसे बंद कर दोगे तो प्री हो जाएगा तो इस फेडर से आ, कुछ लेना देना नहीं रहेगा इस सिग्नल का ठीक है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पोस्ट ही होगा ये बाकी ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे बार बहुत बार डिस्कस किया हुआ है तो डाउट्स रहेगा तो यू कैन चेक आउट ऑल ऑफ प्रोडक्शन विडियोज एंड गेट अ गुड आइडिया ठीक है अब हम करते हैं इस पे ऑडियो इफेक्ट्स एंड लेट्स ए रिवर्ब बी ये साथ में फ्री में आता है ओके okay? इसका हमको ड्राई नहीं चाहिए बिकॉज यू नो लाइक ड्राई सिग्नल तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है सिर्फ वेट ही चाहिए इसका और हॉल सोलो जान मेरी जान तू तो बन गए My god, this sounds really good, Baba. Okay, let's add another send, another stereo bus delay. Um, yeah, obviously, you have a delay, hain. Mm, delay, mm, Sonitas ka delay, which obviously comes free with this one. <anchukna> ठीक है प्रीसेट है क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं कोई पिंग पोंग वाला <याँगा> फिल्टर द फ्रीक्वेंसी लो एंड को कट थोड़ा हाई एंड को कट बढ़िया है <hans <आगा> लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा डिफरेंस तो दिस साउंड्स लाइक यू नो थोड़ा सा उसकी तरह लेफ्ट hmm. हो गया राइट right हो गया हम इसको ऐसा कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ हिले ही सुनाई दे इस बात में से ओके okay? अब इसके अलावा भी कोई भी और प्लग इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्वियसली जस्ट टिकिंग टू डिले डिले टेम्पो डिले ये भी साथ में आया है फ्री डिले इसको उसको बंद करते हैं टेम्पो डिले को सुनते हैं ओके मिक्स हंड्रेड परसेंट रहेगा इसमें ठीक है आइज आप थोड़ा काट सकते हो लोज भी आप थोड़ा काट सकते हो लेफ्ट uh, राइट right का टाइमिंग जो है टेम्पो सिंक दिस दिस इज रियली नाइस अच्छा बात नहीं इतना डीले सुनाई देना है वो शॉर्ट हो जाता है सोलोज बंद इसको मिनिमाइज तो एट ऑलमोस्ट लाइक एनी अदर डीएडब्ल्यू आप ऑब्वियसली ये सब काट लोगे छाट लोगे साफ कर लोगे ऑलमोस्ट लाइक एनी अदर डीएडब्ल्यू आपको जो भी मास्टरिंग के लिए जो भी इफेक्ट्स लगाने हैं दैट विल गो टू दिस मास्टर आउटपुट ठीक है मास्टर आउटपुट का एफेक्ट्स में इनपुट में लाइक like, अगर आप आइजोटोप से मास्टरिंग कर रहे हो इतना तिलस्मी होने की भी जरूरत नहीं आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ कोई लिमिटर लगा के भी काम चला सकते हो ओके मे बी समथिंग कम्स विद दिस सोनेटस मल्टीबैंड सोनेटस कंप्रेसर लाइक डी एक्स डी एक्स डायरेक्ट टेक्स लिखा हुआ है मतलब गेट कंप्रेसर ठीक है um, जो भी आप चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हो आइजोटोप फाइजोटोप कुछ भी लगाना हो आपको मास्टरिंग के लिए दैट यू विल बी यूजिंग इन हियर इस वाले ट्रैक के ऊपर में दैट्स इट मतलब एंड आपका जो गाना है उसको आपको एक्सपोर्ट करना है मतलब uh, you know, हाँ एक्सपोर्ट करने से पहले ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि मार्कर लगा लोगे कहाँ से कहाँ तक एक्सपोर्ट करना है आपको ठीक जहाँ तक आपको एक्सपोर्ट करना है ये आ गया मेरा मार्कर मान लो कि यहाँ से यहाँ मेरे को एक्सपोर्ट करना है एंड देन मैं क्या करूँगा एक्सपोर्ट ऑडियो आई विल चूज एम पी थ्री एंटायर मिक्स अलग अलग आउटपुट भी आप निकाल सकते हो फोर्टी एट किलो वर्ड्स सिक्सटीन मिनट्स दे रहा है ये hmm, बुरा मान रहा है थोड़ा सा कोई बात नहीं एन टायर मिक्स इफ वी गो टू वेव क्या दे रहा है हाँ तो चौबीस मिनट तक दे रहा है ठीक लीदरिंग हमको ऑन करने की जरूरत नहीं बिकॉज हम अगर फोर्टी एट में रिकॉर्ड कर रहे हैं फोर्टी एट में बाहर निकाल रहे तो एंड ऑबियसली आपको इधर उधर बाहर निकालने के लिए एम भी आप निकाल सकते हो ओके okay? ट्राइंगर um, भी ऑन रख सकते हो अगर सिक्सटीन बीट्स पे कन्वर्ट हो ही रहा है तो और फोर्टी फोर किलोर्ट्स चौबिस सिक्सटीन बीट पर भी अगर आप देना चाहो तब भी इट इट शुड वर्क एक्चुअली और वी कैन कीप इट टू समथिंग लाइक दिस तो दैट इज़ हाउ यू एक्सपोर्ट इट अब अपना नाम दो यूजली वट यू डू कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है Mm, उस प्रोजेक्ट के अंदर ही mm, कहाँ गया हमारा ये प्रोजेक्ट और ये रहा जो जिसके अंदर हम ये बना रहे थे एंड यहाँ पे राइट right क्लिक करके न्यू फोल्डर एंड मे बी यू से एक मिक्स वाला फ़ोल्डर है इसका नाम एंड इसके अंदर जाते हो एंड जो भी आपका गाने का नाम होता है आप वो यहाँ पे देते हो एंड देन यू एक्सपोर्ट इट यहाँ पे सारे हैं कि ट्रैक बास इफेक्ट्स ये वो सब कुछ हमको करना है ये yes, ऑब्वियसली सब कुछ हमको एक्सपोर्ट करना है इकट्ठे सब बाहर निकाल के दो वेब एम पी जो भी आपको निकालना हो मोस्टली मोस्टली हम लोग को एम uh, पी चाहिए होता है कभी कभी वेब भी चाहिए होता है अगर आप बाद में वीडियो प्रोस्ट प्रोडक्शन भी कर रहे हो उसके ऊपर में ऑन टॉप ऑफ दैट एज वेल ओके डन 320 ट्वेंटी के बी का एम पी निकालेंगे हाई क्वालिटी बिल्कुल स्टेडियो ज्वाइंट स्टेरियो माई गॉड एक फ्री सॉफ्टवेयर में इतना धांसू फीचर जॉइंट स्टेडियो ओके बाकी आप यहाँ पे अपने आर्टिस्ट का नाम ये वो सब कुछ भी अगर डाल दोगे तो वट ऐपन्स कि कोई आपका गाना अगर कर क्लिक करेगा तो उसमें वो दिखेगा है ना वो प्लेयर में लिख के आ जाता है नाम आई डी भी राइट हो सकता है उसके ऊपर जस्ट एक्सपोर्टेड एंड लेट्स सी वी शुड हैव द फाइल सी ड्राइव एक हॉक एस प्रोजेक्ट के अंदर मिक्सेस के अंदर जो भी हमने अभी एक्सपोर्ट किया है लेट्स प्लेट जान मेरी जान तुम तो बन गए तो ठीक है ये ऐसा एक्सपोर्ट हो गया है बढ़िया कोई मसला नहीं है और अगर आपको किसी को भेजना हो तो यू जस्ट यू नो कंप्रेस दिस फोल्डर सेंड टू कंप्रेस जिप And वो फाइल अपलोड करके आपको भेज देना सो दिस प्रिटी मच कॉन्सोलीट्स आवर इंटायर जर्नी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर अब अगर आपको इतना छोटा मोटा चीज अगर आपने पता कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर के बारे में इसी भी दूसरा सॉफ्टवेयर का वर्क फ्लो को देख के समझ के आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो बेसिक्स यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन अप्लाई ऑन दिस सॉफ्टवेयर या एंड इट शुड प्रिटी मच वो अगर आपको सस्ते में कोई अच्छा सॉफ्टवेयर जिस पे अगर आप स्विच करना चाहोगे एंड यू नो लाइक प्रोडक्शन और उसके लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप स्टूडियो uh, वन का जो फेयर वाला जो ऑप्शन uh, आता है यू कैन सब्सक्राइब टू दैट थिंग क्योंकि उसके साथ में आपको बहुत सारा साउंड लाइब्रेरी ये वो वीएसटीआई तामा झामा सब कुछ मिलेगा एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक हजार ग्यारह सौ रुपए पर मंथ दैट यू हैव टू पे फॉर अ फुल ब्लून सॉफ्टवेयर इट्स अ रियली नाइस पैकेज ऑन विच यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड ऑब्वियसली इफ यू आर ऑन अ मैक तो लॉजिक इज द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन गो फॉर ओके सो एल सी यू द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेट सब्सक्राइब कर दो और ताकि यूट्यूब बाबा खुश हो जाए और उनको लगे कि यह बहुत अच्छा वीडियो डाल रहा है भाई ये बटन लाइक वाला बटन दबा दो यहाँ पे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से नमस्कार